1983 में मीनाक्षी जी की पहली मूवी आई पेंटर बाबू और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हीरो और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद मीनाक्षी की मूवी आई दो गुलाब और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1984 में मीनाक्षी की मूवी आई लव मैरिज और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1985 में मीनाक्षी की मूवी आई होशियार और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा जवाब और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आंधी तूफान और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेवफाई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप कराई। इसके बाद इनकी मूवी आई महाशक्तिमान और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी की मूवी आई मेरी जंग और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा घर मेरे बच्चे और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लवर बॉय और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आवारा बाप और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी की मूवी आई पैसा ये पैसा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1986 में मीनाक्षी जी की मूवी आई दिलवाला और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पहुंचे हुए लोग। दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद मीनाक्षी जी की मूवी आई स्वाति और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माँ बेटी और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की मूवी आई अल्लाह रखा और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दहलीज और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रिस्की और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मैं बलवान और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1987 में मीनाक्षी जी की मूवी आई डकैत और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सत्यमेव जयते और दोस्तों ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुकद्दर का फैसला और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई परिवार और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इनाम 10,000 और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1988 में मीनाक्षी जी की मूवी आई औरत तेरी यही कहानी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सहनसा और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई विजय और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा जमुना सरस्वती और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों ये मूवी कलेक्शन की वजह से नहीं चल पाई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई मैं तेरे लिए और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इंतकाम और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1979 में इनकी मूवी आई जोशीले और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की मूवी आई सच्चाई का बोलबाला और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई 20 साल बाद और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बड़े घर की बेटी और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तूफान और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आग से खेलेंगे और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की मूवी आई नाचे नागिन गली गली और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई मोहब्बत का पैगाम और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई महादेव और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घराना और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1990 में मीनाक्षी जी की मूवी आई आवारगी और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शानदार और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1990 में इनकी मूवी आई घायल और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इस मूवी को किस किस ने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद इनकी मूवी आई जुल्म और दोस्तों ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अम्बा और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तड़प और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की मूवी आई प्यार का कर्ज और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1991 में इनकी मूवी आई अकेला और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर परिवार और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1992 में मीनाक्षी जी की मूवी आई हमला और दोस्तों ये मूवी
मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुंडा राज और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हमशक्ल और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई यह रात फिर ना आएगी और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर कराएगी। इसके बाद इनकी मूवी आई पुलिस और मुजरिम और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1993 में मीनाक्षी जी की मूवी आई क्षत्रिय और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दामिनी और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे मीनाक्षी जी की ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई बड़ी बहन और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आदमी खिलौना है और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तेरी पायल मेरे गीत और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई साधना और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई स्वामी विवेकानंद और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1996 में इनकी मूवी आई घातक और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। तो दोस्तों ये था मीनाक्षी जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।